फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो हम आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा यूरोपियन टी10 रोम लीग का आरआरसीसी वर्सेस एमकेसीसी के बीच 1 घंटे 51 मिनट बाद। बात करूं भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहां मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एवी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो फटाफट आकर इस पर जुड़ो और इधर आप पा सकते हो 100% विनिंग टीम हर मैच की एंड जीत सकते हो कुछ ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं भाइयों नीचे। तो ये आप देख सकते हैं ये प्रीवियस यूरोपियन टी10 था जो कि मैंने ओपन दिया था और अल्ट्रा क्लीन स्वीप लगी है जैसे कि आपके सामने है। तो चलते हैं भाइयों आगे। तो बात करूं भाइयों अगर मैं इस मैच की तो ये आरआरसीसी वर्सेस एमकेसीसी के एक मतलब दोनों ठीक ठीक टीम्स हैं लेकिन दोनों के बॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने जो भी ध्यान देना है तो बॉलिंग और ऑलराउंडर साइड पे देना है, बैटिंग साइड इनकी इतनी खास नहीं है दोनों की। बात करूँ विकेट कीपर की तो एम हुसैन जो कि अपनी टीम से 1 डाउन आता है और ठीक ठाक खेलता है, मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा, लेकिन आज बॉलिंग पिच होने के कारण इनकी विकटें बहुत जल्दी उड़ेंगी। कोई बड़ी बात नहीं कि एक एक इनिंग में इनकी 8-8 9-9 विकटें भी गिर जाएँ। तो बात करूँ भाइयों में बैट्समैन की तो ए राजा अमजद देखो एक नॉर्मल प्लेयर है लेकिन आपको बता दूं अमजद का क्या है कि ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है जो कि पिछली बार तो काफ़ी जल्दी आउट हो गया था लेकिन हर बार कोई भी प्लेयर इतनी जल्दी आउट नहीं होता। आई थिंक अगले मैच में कुछ अच्छा करेगा। लेकिन बात करूं मैं वहीं से एक न्यू प्लेयर की एम बिलाल, आपको पता है कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है आई थिंक ये बॉलिंग डालेगा, इसके बारे में अभी कन्फर्मेशन नहीं आई क्योंकि मैंने जब इसको सेलेक्ट किया तो इसका बैटिंग ऑर्डर लेट शो कर रहा है। कई बार यूरोपियन टी10 का बैटिंग ऑर्डर रॉन्ग भी आता है, फिर भी मैं रिस्क ले गया हूँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी मैंने एम बी लाल को नहीं लिया, मैंने प्रीवियस टीम में लिया था, इस बार देखते हैं, इस बार मैं नहीं ले रहा, पहले मैं इसकी पिछले मैच में देख लूँ कि क्या ये फॉर्म में है कि नहीं। आगे से बात करूँ एच मुबाशिर यहाँ से आपको काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर मिलता है क्योंकि ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। देखो बॉलिंग पिच होने के कारण ज़्यादा रन तो नहीं मारेगा, कम से कम मान लो कि ये मारेगा 14-15 रन मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। एस उल्ला की करूँ एस उल्ला में आपको 2 प्रॉफिट मिलते हैं, एक तो भाई ये बॉलिंग डालता है, सबसे मेन काम है कि ये बॉलिंग डालता है। जो प्लेयर बॉलिंग डाल रहा है वो आपकी टीम में होना चाहिए क्योंकि अगर आपको एक ओवर बॉलिंग भी मिल रही है ना वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बात करूँ अगर मैं ऑलराउंडर की तो बी परेरा जो कि अपनी टीम से ओपनर आएगा आज के मैच में, हर बार ओपनर ही आता है लेकिन इसका क्या है कि ये अभी तक मेरे को इतना फॉर्म में दिखा नहीं, लेकिन बॉलिंग साइड प्लेयर की अच्छी लगी है। अगर जिस प्लेयर की बॉलिंग साइड अच्छी है ना तो वो आपकी टीम में होना चाहिए। एम नियाजी की बात करूँ, एम नियाजी एक ये भी अपनी टीम से ओपनर आता है, ये दोनों अपनी टीम के ओपनर हैं, एम नियाजी हो गया और बी परेरा। तो एम नियाजी पर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अगर आप चाहो तो इसको कैप्टन रख सकते हो एंड वाइस कैप्टन रख सकते हो बी परेरा को, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ज़्यादा सेफ है। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा डी साम्र विक्रमा को जो कि आपको बताना चाहूँगा प्रीवियस 3 नवंबर के मैच में अच्छा खेला था और आज के मैच में देखते हैं क्या परफॉर्म करता है क्योंकि मैं तो रिस्क ले रहा हूं लेकिन ध्यान से भाइयों आप भी देख के रिस्क लेना। बात करूं मैं बॉलर की तो जी निसार के अंदर खासियत क्या है, ये बैटिंग में बहुत जल्दी आता है, मतलब देखो इसकी बॉलिंग में विकेट आए या ना आए लेकिन ये बैटिंग में आता है 2 डाउन। तो 2 डाउन पे जो प्लेयर बैटिंग पे आ रहा है और अगर बाई चांस अगर ये कम से कम 30-40 रन मार गया ना तो कम आप अपनी विनिंग खुद अपनी आंखों से देखोगे क्योंकि जी निसार पे मैं 3 बार से रिस्क ले रहा हूँ लेकिन नहीं चल रहा। और अगर ये 2 विकटें भी ले गया तब भी वसूल लेंगे भाइयों। और S7 की बात करूँ, S7 एक नॉर्मल प्लेयर है, ये प्रॉपर बॉलर है, मतलब अगर आप बॉलिंग से ऊपर उम्मीद करोगे तो नहीं है, नॉर्मल ठीक ठाक खेलता है। और आगे से बात करूँ ए कुमार भी सेम, ये अपनी टीम से है 2 डाउन आते हैं, जी निसार अपनी टीम से 2 डाउन और ए कुमार अपनी टीम से, इनको गलत सेक्शन में डाला हुआ है, इनको एक्चुअल में तो बैटिंग सेक्शन में होना चाहिए या फिर इनको ऑलराउंडर सेक्शन में लेकिन ज़्यादा प्लेस फुल होने के कारण इनको बॉलिंग सेक्शन में डाल दिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो आपको बता रहा हूँ। तो बढ़ता हूँ आगे, यहाँ से मैं एक और प्लेयर लेने वाला हूँ जिसका नाम है भाइयों एन आतु बदूरा जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ये प्लेयर एक ना नॉर्मल प्लेयर है लेकिन प्रीवियस मैच में अभी एक मैच चल रहा था जिसमें कि अभी इसने सिंगल विकेट अभी उठाई है लेकिन मैं यू शाजत की जगह इसको ले रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क है। आप चाहो तो सेफ जाना तो यू शाजत के साथ जा सकते हो लेकिन अगर आपने रिस्क लेना तो आप मेरे साथ जाना। तो बात करूँ अगर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, सेफ कैप्टन एम नियाजी, वाइस कैप्टन बी परेरा, बिकॉज भाइयों मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता किसी और को कैप्टन चुन के क्योंकि हर मैच में विकेट नहीं आती। अगर आप सोचो कि बॉलर को कैप्टन रख दो, आपको पता है कि हमें बैटिंग साइड पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय।